हेलो एम हेल्लसी वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे ओके okay? तो देखिए हमने हमारी यूनिट स्टार्ट की थी सरफेस केमिस्ट्री जिसके फिलहाल अभी हम लेक्चर नंबर फोर्थ पे पहुंचे हुए ऑलरेडी थ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कराती हैं अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके देख सकते हैं okay? ओके अगर नोट्स भी चाहिए हो तो मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगी आप वहां से जाके देख लीजिएगा ओके okay? तो अभी फिलहाल आगे बात करते हैं हमारे लेक्चर नंबर फोर्थ पे जिसके अंदर जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आपकी कैलविन इक्वेशन ओके तो देखो ना कैलविन इक्वेशन पे भी आपने कुछ नहीं करना आप जैसे बताएंगे कि कैलविन इक्वेशन आप क्यों यूज कर रहे मतलब कैलविन इक्वेशन आपको क्या बता रही है ये कोई इक्वेशन है तो ये आपको क्या बता रही है एंड देन लास्टली क्या आप इस इक्वेशन का डेरिवेशन दिखाएंगे कि कैसे आपकी कैलविन इक्वेशन डिराइव हुई ओके okay? बस इतना सा काम कर लीजिएगा ठीक है तो काफी आसान रहेगा आपको भी होप क्लियर हो तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को ओके okay? तो फर्स्टली बात करते हैं देखिए हमने इससे पहले जो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने लिप्लास इक्वेशन

के जो इंटरफेस होती है वो आपको पता है इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह होती है तो हमने बोला कि अगर सपोज ये इलास्टिक मेम्ब्रेन तीन कंडीशन दी थी अगर सपोज ये इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या है ये अगर इलास्टिक मेम्ब्रेन कुछ ऐसी है स्ट्रेट फॉर्म में है ठीक है स्ट्रेट मेम्ब्रेन है यानी कि यहाँ पर को हमने कोई प्लेन सर्फेस लिया हुआ है लिक्विड और गैस के बीच में जो इंटरफेस बन रही है वो प्लेन इंटरफेस बन रही है तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस यानी कि डेल्टा पी आपको देखने को नहीं मिलेगा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी जीरो के इक्वल होगी क्यों क्योंकि अगर आपके पास प्लेन सर्फेस

वो प्लेन ना होके कोई दूसरे शेप में आइदर कॉन केव आइदर कॉन वैक्स तो उस केस में क्या है आपको डेल्टा पी की वैल्यू को देखने को मिलेगा डेल्टा वी की डेल्टा पी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी क्यों होगी क्योंकि हमने बोला अगर ऐसा है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा बाहर का प्रेशर कम होगा यानी कि पी इंटरनल ज्यादा होगा पी एक्सटर्नल के ओके अगर, अगर ऐसा है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है यहाँ से जो पी एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा तभी इसने इसे कुछ ऐसा कर शेप दिया है और जो अंदर से जो प्रेशर लग रहा है जिसे आप बोलते हैं पी इंटरनल उसकी वैल्यू कम होगी तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस की थी यानी कि प्रेशर डिफरेंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर पे डिस्कशन लिया था ओके okay? और वही चीज इसी के सिमिलर प्रेशर डिफरेंस की बात हमने आज के लेक्चर पे यानी कि कैलविन इक्वेशन पे बात करनी है लेकिन यहाँ जो प्रेशर डिफरेंस की यहाँ हम जो बात करने वाले हैं वो वेपर प्रेशर रहेगा ठीक है थीके? तो आप सुनिएगा ये क्या बोल रहा है ठीक है देखो ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा? कि बोल रहा? ये बोल रहा इज कैलविन इक्वेशन कैलविन इक्वेशन क्या होती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है द कैलविन इक्वेशन डिस्क्राइब द चेंज इन एन वेपर प्रेशर कैलविन इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करती है

फिर उसको आपने किस में कन्वर्ट किया ड्रॉपलेट में कन्वर्ट किया तो इंटरफेस कैसा हो गया कर्व हो गया तो अगर आप दोनों के केस में वेपर प्रेशर का वैल्यू चेक करेंगे तो आपको वहां पर डिफरेंस देखने को मिलेंगे दोनों की वैल्यूज अलग अलग होगी तो वहां पे आपको एक चेंज मिलेगा उसी चेंज को एक्सप्लेन करता है कौन कैलविन इक्वेशन इतनी चीज क्लियर आई मैं आपको वापस से ऐसे समझाती हूँ आप जस्ट यहाँ पर देखिएगा ठीक है तो देखिए ना यहाँ पे आप जस्ट चीजें क्या ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग सोचिए ठीक है मैं आपको ऐसे समझाती हूँ देखिए सपोज मैंने आपको ऐसा बोला कि आप एक बीकर लीजिए या फिर एक कंटेनर लीजिए आपने एक बीकर लिया या फिर कोई कंटेनर लिया और मैंने बोला इसके अंदर आप लिक्विड डालिए ठीक है आपने यहाँ पर कोई लिक्विड डाला कोई भी लिक्विड यहाँ पर आपने फिल कर दिया ठीक है अब यहाँ पर मेन चीज जो फोकस आपने करनी है वो ये कि जब आपने कंटेनर लिया और इस कंटेनर पर लिक्विड डाला कोई भी लिक्विड डाला तो यहाँ पर ये लिक्विड का जो इंटरफेस बनेगा वो आपका इंटरफेस कैसा बनेगा एक टाइप का प्लेन इंटरफेस बनेगा यहाँ पे ये जो इंटरफेस है वो ना कॉन्केव है ना कॉन्वेक्स है यहाँ पर जो इंटरफेस है वो आपका कैसा इंटरफेस है एक टाइप का प्लेन इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा ओके अब ये प्लेन को छोड़िए मतलब प्लेन पर ध्यान रखना है बट प्लेन को अभी छोड़िए अब इतना देखो कि अगर ये लिक्विड है तो इस लिक्विड की यहाँ पर को कुछ क्या होंगी वेपर्स भी बनेंगे इस लिक्विड के लिए समझ में ये लिक्विड के लिए ऊपर क्या बनेगी वेपर्स बनेंगे ओके okay? और यहाँ पे ये जो आपका लिक्विड और वेपर है ये आपस में क्या रहेंगे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करके बैठे होंगे ठीक है अब देखो अब हुआ क्या अब यहाँ पर कोई ये जो हमने कंडीशन लिया है इस कंडीशन में क्या होगा आपको कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी देखने को मिलेगा यानी कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर की वैल्यू भी देखने को मिलेगी ओके okay? तो सपोज हमने यहां पर वेपर प्रेशर की वैल्यू को पहले केस में क्या कर दिया एक्स कंसिडर कर दिया ये हमारा केस क्या है फर्स्ट है ओके और इस पहले केस में मैंने आपको बता दिया सिचुएशन क्या क्या कि यहां पर आपने जो लिक्विड लिया है उस लिक्विड का जो सरफेस है या फिर आप बोल सकते हैं उस लिक्विड में मतलब उस लिक्विड और वेपर ये लिक्विड हो गया बस इतना आपने करना है, ओके? अब ये तो पहला केस था अब हम अगर सेकंड केस पे बात करूं मतलब दूसरी कंडीशन आपको बताऊं तो दूसरी कंडीशन आपको ये बोल रही है कि अब आपने क्या करना है ना अभी यहां पर आपने वाटर को क्या है कंटेनर पर डाला यानी कि वाटर क्या है ज्यादा अमाउंट में

इस लिक्विड ड्रॉप का ये जो लिक्विड ड्रॉप है इसका क्या होगा ये इंटरफेस हो गया ये सरफेस क्या होगी इंटरफेस हुई लेकिन यहाँ पे जो आपको इंटरफेस मिल रहा है ये आपका पहले की तरह प्लेन नहीं है अब ये क्या हो गया सरफेस क्या होगी इसकी ठीक है कर् इंटरफेस आपको यहाँ पर को देखने को मिला ओके अब यहाँ पे भी आपको सेम चीज होगी अगर ये तो इसके लिए यहाँ पर वेपर ड्रॉपर भी, बनेंगे, तो भी और ये वेपर क्या होता है लेकिन यहाँ पे तो यहाँ, यहाँ यहाँ तो आपका व्यापर क्या होगा रैंडम होगा और यहाँ पे भी वेपर जो आपका वेपर है और ये जो लिक्विड ड्रॉप है इनके बीच में इक्विलिवियम स्टैब्लिश होगा ओके अब आपने क्या किया इसे बी कंडीशन कंसिडर कर दिया कि सेकेंड केस है आपने जैसे इसका एक ड्रॉप लिया है और इस इसके लिए भी आपने एक वेपर प्रेशर की वैल्यू को निकाला तो यहां इसका मतलब समझ में आया कि आपने क्या है? लिक्विड बिल्कुल सेम लिया है जो पहले लिक्विड था वही आपका बाद में भी है पहले केस में जो लिक्विड है वही बाद में भी है लेकिन पहले वाले केस में जो लिक्विड है उसका इंटरफेस ठीक है उसमें जो वेपर और लिक्विड का जो इंटरफेस था वो आपका प्लेन था लेकिन दूसरे केस में जो वेपर और लिक्विड के बीच का इंटरफेस था वो आपका कर्व था और इसी इंटरफेस की डिफरेंस बनने की वजह से क्या हुआ आपको वेपर प्रेशर की वैल्यूज में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा और यही चीज को एक्सप्लेन किसने किया था कैलविन ने अपनी इक्वेशन में होप आपको क्लियर हुआ होगा ठीक है तो देखो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है ये बोल रहा है द कैलविन इक्वेशन डिस्क्राइब द चेंज चें वेपर प्रेशर में कितना चेंज आया किसकी वजह से कर्व लिक्विड वेपर इंटरफेस की वजह से यानी कि जैसे आपकी ड्रॉपलेट के लिक्विड और वेपर के बीच होता है आपको जो इंटरफेस मिलेगी वो अगर आपकी प्लेन होगी तो उसके केस में दोनों के केस में आपको वेपर प्रेशर की वैल्यूज क्या है अलग अलग मिलेंगी जिसकी वजह से क्या होगा चेंज इन वेपर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा ये चीज किसने बताई थी कैलविन ने अपने इक्वेशन में okay? और इन्होंने एक और चीज बताई इन्होंने क्या बताया एंड शो हाउ द वेपर प्रेशर ऑफ अ कर्व सर्फिस डिपेंड ऑन द करवेचर कर्वेचर मतलब रेडियाई ठीक है तो इन्होंने ये भी बताया कि देखो अगर मैं आपको ऐसे बता दू देखो अगर आपने एक वाटर ड्रॉप ली है वाटर ड्रॉप आपकी कैसी होगी कर्व सर्फिस वाली होती है तो देखो वाटर ड्रॉप क्या होगी मे बी आपकी छोटी वाटर ड्रॉप भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है तो ये छोटी वाटर ड्रॉप मैंने ले ली ये बड़ी वाटर ड्रॉप ले ली ठीक है अब आपको पता है यहाँ पर को क्या होगा इनका कुछ ना कुछ क्या होगा कर्वेचर कर्वेचर मतलब रेडियाई होगी तो सपोज इसकी रेडियाई आर है तो इसकी रेडियाई क्या हो सकती है आर

कैसे आपका वेपर प्रेशर अफेक्ट हो रहा है अगर रेडियाई छोटी है तो वेपर प्रेशर क्या होगा अगर रेडियाई बड़ी है तो वेपर प्रेशर क्या होगा समझ में आना तो इन्होंने कर्वेचर यानी कि रेडियाई और वेपर प्रेशर के बीच में भी रिलेशन बताया कि अगर रेडियाई चेंज हो रही है तो वेपर प्रेशर भी क्या चेंज होगा या फिर नहीं होगा इतनी चीज क्लियर आई ना अब आगे बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कैलविन इक्वेशन कैलविन इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग क्या होता है ये बोल रहा है द वैपर प्रेशर ऑफ ए कॉन्वेक्स कर्व सर्फिस कॉन्वेक्स कर्व सर्फिस यानी कि आपकी ड्रॉपलेट की बात की है ये हमेशा हाईर होता है कंपेयर टू अ फ्लैट सर्फेस तो देखो वही चीज तो हो गई जैसे अभी मैंने आपको बोला कि दो कंडीशन ली एक में आपका जो वाटर है मतलब या फिर कोई दूसरा लिक्विड है वो प्लेन सर्फेस का या फिर फ्लैट सर्फेस का है ओके लेकिन दूसरे केस में उसी लिक्विड को हमने कैसे सर्फेस में ले लिया कर्व सर्फेस में ले लिया और इन दोनों के बीच में वेपर प्रेशर में क्या होगा डिफरेंस ऑब्जर्व हुआ ओके डिफरेंस क्या ऑब्जर्व हुआ तो ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू कैलविन इक्वेशन हमेशा जो कर्व सरफेस वाला जो लिक्विड होता है उसकी जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है वो हमेशा हाईअर होती है कंपेयर टू फ्लैट सर्फिस यानी कि इन दोनों के केस में हमारा क्या होगा बी का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा कंपेयर टू ए इतनी चीज क्लियर आई और ये क्या नेक्स्ट बोल रहा है कि कैलविन इक्वेशन इज डिपेंड अपॉन द थर्मोडाइनेमिक प्रिंसिपल और कैलविन इक्वेशन किस पर डिपेंड करता है थर्मोडाइनेमिक प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करता है इतनी चीज क्लियर आई ना समझ में आया ना इतना तो वही चीज है ठीक है तो आप ये हाँ आपका क्या था कैलविन क्या का थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन था आपने होप इतना आपको क्लियर क्लियर हुआ हुआ होगा ठीक है तो ये वाला सेकंड पॉइंट ना कंफ्यूजन तो नहीं हुआ हम क्या बोलना चाह रहे थे कि हमारा जो कर्व सरफेस वाला जो, जो, जो आपका लिक्विड ड्रॉप है ना वो आपका कर्व सरफेस का होता है अब लिक्विड ड्रॉप छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है तो छोटा होगा तो उसके लिए जो रेडियाई होगी उसकी जो कर्वेचर होगा वो भी छोटा होगा बड़ा होगा बड़ी अगर आपने लिक्विड उसके लिए जो कर्वेचर होगा उसके लिए जो रेडियाई होगी वो भी ज्यादा होगी बड़ी होगी ठीक है तो अगर आपकी रेडियाई चेंज हो रही है आपके कर्व सर्फिस की रेडियाई चेंज हो रही है तो आपका वेपर प्रेशर कैसे चेंज होगा ये भी आपको किसने बताया था कैलविन ने बताया था, था क्योंकि हमें पता है कर्व सर्फेस के लिए जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू फ्लैट सर्फेस लेकिन कर्व सर्फेस के लिए ज्यादा होता है लेकिन अगर कॉस सरफेस वाली जो लिक्विड ड्रॉप है अगर वो छोटी है या फिर बड़ी है तो उनकी रेडियाई भी चेंज होगी अगर रेडियाई चेंज होगी तो रेडियाई के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर कैसे चेंज होगा ये चीज भी यहाँ पर को बताई गई थी किसके थ्रू कैलविन के थ्रू इतनी चीज क्लियर आई ना तो ये था आपका कैलविन इक्वेशन का ठीक है इतनी चीज हुई ना अब देखो ना यहाँ पर को क्या लिखा हुआ है यहां पर मैंने आपको ये इक्वेशन दिखाई हुई है ठीक है ये जो इक्वेशन है अभी जिस मैंने आपको डायरेक्टली दिखाई है ये इक्वेशन को ही आप बोलते हैं कैलविन इक्वेशन ठीक है ये बनी आपकी कैलविन इक्वेशन जिसपे आप देख सकते हैं यहाँ पर टू तो ठीक है ये गामा मतलब वो आपका सर्फिस टेंशन एम मतलब है मास आर मतलब है रेडिया यानी कि कर्वेचर और यहाँ पर आपका रो मतलब डेंसिटी आरटी आपके क्या होते हैं कॉन्स्टेंट गैस कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर ओके तो ये है आपकी कैलविन इक्वेशन अब देखो आपको मैं थोड़ा सा और थ्योरी पे लेके चलती हूँ जैसे मैंने हमने यहाँ पर को बात की थी ना ये बोलता है कि देखो नहीं ये वाला नहीं ऊपर वाला पॉइंट ठीक है ये वाला ये बोल रहा है कैलविन इक्वेशन ने ये चीज भी आपको शो की थी कि कैसे वेपर प्रेशर क्या होता है रिलेट करता है कैसे वेपर प्रेशर डिपेंड्स करता है कर्वेचर पर ठीक है कर्वेचर आपका हटेगा मतलब कर्वेचर आपका क्या होगा बढ़ेगा या फिर घटेगा तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या होगा चेंज होगा तो पहले मैं आपको उस पॉइंट को समझा देती हूँ यहाँ पर लिखा हुआ देखो ये बोल रहा है स्मॉलर द साइज ऑफ ड्रॉप हायर द वेपर प्रेशर यानी कि अगर आपका क्या है ड्रॉप का साइज़ जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा यानी कि साइज अगर ड्रॉप का छोटा है मतलब उसका जो कर्वेचर है उसकी जो रेडियाई है वो भी आपकी क्या होगी छोटी होगा उसका साइज भी क्या होगा कम होगा यानी कि जितना ज्यादा आपका जितना कम आपका जितना कम आपका कर्वेचर उतना ही ज्यादा आपका वेपर प्रेशर तो उसको यहाँ पर दिखाया हुआ है देखिए यहाँ पर को तीन आपकी क्या कर्व सर्फेस वाली यानी कि तीन आपकी वाटर ड्रॉप ली है या फिर कोई दूसरे लिक्विड की ड्रॉप ली हुई है ओके तो आपको ये तो पहले ही पता चल गया कि अगर हमने ये लिक्विड को एक कंटेनर में लिया यानी कि फ्लैट सर्फेस वाले फॉर्म में लिया फ्लैट इंटरफेस वाले फॉर्म में लिया तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा कम होगा किसके कंपेयर में जब आप इसे सिंगल यानी कि कर्व सरफेस के फॉर्म में लेंगे यानी कि ड्रॉप के फॉर्म में लेंगे ठीक है लेकिन ड्रॉप में भी कंडीशन आती है कि अगर ड्रॉप आपकी छोटी है या फिर बड़ी है तो उस केस में कब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और कब कम होगा तो बता दिया कि जितनी छोटी आपकी रेडियाई होगी जितना छोटा आपका लिक्विड का ड्रॉप होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा वेपर प्रेशर होगा तो यहां पर लिखा हुआ है तीन ड्रॉप आपको दिखाई हुई है सेम टाइम के लिक्विड की है सेम कलर से आपको रिप्रेजेंट हो रही है तो अगर मैं इनकी रेडियाई की बात करूं तो इसकी रेडियाई है आर वन इसकी है आर टू इसकी है आर थ्री और आपको यहाँ पर दिख रहा है आर थ्री की साइज क्या है सबसे छोटा है मतलब R3 सबसे छोटी है उसके बाद आर टू और सबसे बड़ी रेडियाई किसकी है आर वन की है तो हमें पता है जितनी ज्यादा आपकी रेडियाई होगी उतना ही कम आपका क्या होगा वेपर प्रेशर होगा ठीक है तो ऑब्वियस सी बात है तो हम बोलेंगे आर थ्री जिसका रेडियाई सबसे कम है तो उसके लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू सबके ज्यादा होगी तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी पी थ्री क्या होगा सबसे ज्यादा होगा देखो इसका प्रेशर अगर मैं पी थ्री लिखती हूँ रुकेगा इसका प्रेशर अगर मैं पी थ्री लिखती हूँ और इसका लेती हूँ पी टू तो इसका लेती हूँ पी वन तो सी बात है जितनी छोटी रेडिया आई उतना ज्यादा प्रेशर तो पी थ्री सबसे ज्यादा देन पी टू देन पी वन इतनी चीज क्लियर आई तो इसको भी आप यहाँ पर को एड कर सकते हैं ठीक है अब आगे बात करते हैं तो एक और पॉइंट इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ये बोल रहा है टेंडेंसी ऑफ अ in टू case इन द केस ऑफ द plane surface. ठीक है तो ये बोल रहा है जब आपका लिक्विड क्या होता है के फॉर्म में होता है उसके मॉलिक्यूल के पास ज्यादा टेंडेंसी होती है एयर ओके किसके कंपेयर में जब वो प्लेन सर्फेस के फॉर्म में होता है सिंपल सी बात है ठीक है अब देखिए ना यहाँ पे अब आप ये इमेज को भी समझ लीजिए ठीक है ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है देखो जो चीज अभी हमने ऊपर डिस्कस की ना वही चीज आपको यहाँ पर को दिखाएगी क्या बोल रहा है कि इसे आप पहली कंडीशन इसे आप सेकंड कंडीशन समझ लीजिए ये बोल रहा है पहली कंडीशन में आपने जो लिक्विड लिया है वो आपका फ्लैट इंटरफेस का है और लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर बन रहा है इसे आपने बोला है पी वन एल ओके और ऊपर जो आपका गैस है जो वेपर है उसके थ्रू जो, जो प्रेशर बन रहा है उसे आपने क्या रिप्रेजेंट किया है पी वन जी से रिप्रेजेंट किया है okay? ओके दूसरे केस में ये बोल रहा है ये ऊपर आपने क्या किया इसी लिक्विड से एक ड्रॉप ले ली और ये ड्रॉप आपका स्पेरिकल है इस स्पेरिकल ड्रॉप के लिए जो प्रेशर बन रहा है वो है आपका पी टू एल और इसके करेस्पॉन्डिंग जो बाहर आपकी वेपर्स हैं जो गैस है इसके लिए जो प्रेशर बन रहा है इसे आपने बोला पी टू जी ओके तो ये चीज माइंड पर रखिएगा ये जो वन वाला जो टर्म हम लोग लिख रहे हैं जैसे पी के पीछे वन लिख रहे हैं इसका मतलब हम लोग फ्लैट सर्फिस की बात कर रहे हैं अब इसके आगे जी होगा तो आपका गैस हो गया पी वन के आगे क्या हो गया एल हुआ तो लिक्विड की बात होगी ठीक है सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर को टू कर दू तो समझ लीजिएगा कि हम कर्व सर्फिस की बात कर रहे हैं अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ऐसा इसलिए बोल रही हूँ अब आपको मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट दिखाना है ठीक है ये आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है पहला पॉइंट आपको ये, मतलब ये पहला फॉर्मूला मतलब पहला फॉर्मूला के पहला रिलेशन आपको क्या बता रहा है ये बोल रहा है पी वन जी इज इक्वल टू पी वन एल ओके ये बोल रहा है यहाँ जो आपका ये पी वन एल है ये किसके इक्वल है पी वन जी के इक्वल है यानी कि यहाँ जो इसे मैं बोल सकती हूँ इंटरनल प्रेशर यानी कि जो प्रेशर अंदर साइड से लग रहा है लिक्विड का कहां से को लग रहा है बाहर को लग रहा है और गैस का बाहर से क्या है अंदर को लग रहा है तो ये इंटरनल प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पी आर वन जी इज इक्वल टू पी वन एल है यानी कि पी वन जी इज इक्वल टू पी वन एल तो आपको मैंने ये लास्ट लेक्चर पे यानी कि जब हमने लिप्लास इक्वेशन पढ़ी थी वहां भी डिस्कस किया था ना कि प्लेन सरफेस के लिए इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है इक्वल होती है तभी तो ये सरफेस प्लेन है अगर अंदर का प्रेशर कम होता है बाहर का ज्यादा होता या फिर अंदर का ज्यादा होता बाहर का कम होता तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कॉनकेव के, या फिर कॉन्वेक्स सर्फिस देखने को मिलती अगर फ्लैट है तो अंदर से लगने वाला प्रेशर और बाहर से लगने वाला प्रेशर क्या होगा इक्वल होगा यानी कि एक कंडीशन हमने ले ली कि पी वन एल इज इक्वल टू पी वन जी इतनी चीज क्लियर आई दूसरी कंडीशन आपको क्या बोल रहा है दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि पी टू एल इज ग्रेटर पी टू जी ठीक है तो पी टू एल जो है ये आपका ज्यादा है पी टू जी ये कैसे तो हमने लास्ट लेक्चर पर भी मैंने आपको ये ये एक्सप्लेन किया था कि जो जो आपका आपका लिक्विड ड्रॉप होता है ये जो आपको वाटर ड्रॉप होता है इसके केस में जो इंटरनल प्रेशर होता है वो आपका हमेशा ज्यादा होता है कंपेयर टू एक्सटर्नल प्रेशर तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमारा पी टू एल की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी कंपेयर टू पी टू जी के इतनी चीज क्लियर आई अगला क्या बोल रहा है बोल रहे पीटू जी इज ग्रेटर देन पीवन जी ओके अब क्या है अगर आपने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया इसको भी आपस में कंपेयर किया इन दोनों को आपस में कंपेयर करें यानी कि P1G जी को किससे कंपेयर कर रहे हैं पीटू जी से तो आपको क्या पता चलेगा की पीटू जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी ज्यादा होगी कंपेयर टू पी वन जी okay? ओके और ऑब्वियस सी बात है अगर इसकी वैल्यू पीटू जी की अगर ज्यादा है पी वन जी से पी वन जी से तो जब भी आप पी वन एल और पी टू एल को कंपेयर करेंगे तो पी टू एल की वैल्यू तो सबसे ज्यादा हुआ इसकी वैल्यू तो क्या है पीटू जी से भी ज्यादा है तो आप बोल सकते हैं कि पी वन जी और पीटू जी में से किसकी वैल्यू ज्यादा है पीटू जी की वैल्यू ज्यादा है और पी वन एल और पी टू एल में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी पी टू एल की वैल्यू ज्यादा होगी हो तो ये आपके क्या बन गए रिलेशन बन गए ये चीज आप माइंड पर रखिएगा ठीक है तो इतना जैसा हमने क्या छोरी पे बात करना था यहाँ तक हमारा क्या हुआ थ्योरी कवर हुआ अब हम लोग बात कर लेते हैं डेरिवेशन पे ठीक है तो इतना क्लियर हुआ ना क्या अब हम स्टार्ट कर लेते हैं डेरिवेशन को ठीक है तो डेरिवेशन को क्या है थोड़ा सा थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं हमने जैसे ऐसा बोला है लेट अस कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप आपने एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर किया जिसका सर्फेस क्या होता है कर्व होता है और उसके लिए कुछ रेडियाई है जिसके लिए मतलब कर्वेचर है जिसे आपने आर से रिप्रेजेंट किया है जैसे आप यहाँ पर को देख सकते हैं ठीक है थीके? अब ये बोल रहा है यहाँ पर आपका जो गामा है गामा हो गया आपका सर्फेस टेंशन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे रो मतलब हो गया इस लिक्विड के लिए जो डेंसिटी है वो ओके अब आपको डेरिवेशन कैसे स्टार्ट है बस इतना माइंड पर रखिए जैसे मतलब तो जिसमें आपको माइंड पर रखने के लिए बोल रही हूं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पर ही बोला था इक्वेशन डिपेंड करती है पे प्रिंसिपल तो मैंने आपको बोला था क्वांटिटीज का भी आप यूज करेंगे तो देखो आपको पता तो है तो क्या बोल रहा है एज वी नो इक्विलिब्रियम कंडीशन इज स्टैब्लिड बिटवीन अ लिक्विड फेज एंड द वेपर फेज आपको पता है कि हमने आप आगे से भी डिस्कस करते आ रहे हैं कि लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, है okay? तो यहां पर अगर आप लिक्विड

क्योंकि दोनों क्या है इक्विलिब्रियम में हैं। तो हमने लिखा न्यू इंटरनल इज इक्वल टू न्यू एक्सटर्नल या फिर आप लिख सकते हैं न्यू लिक्विड इज इक्वल टू न्यू गैस इतनी चीज क्लियर आई अब देखो पहले तो हमने जिस इतना बताया ठीक है अब अगर हम लोग यहाँ पर को क्या है स्मॉल चेंज की बात करें कि हमने क्या है कि केमिकल पोटेंशियल में स्मॉल चेंज अगर हमने ऑब्जर्व किया तो स्मॉल चेंज में हम लोग क्या लगाएंगे आईधर डेल्टा लगा देंगे या फिर डी लगा देंगे आपकी मर्जी आप डेल्टा भी लगा सकते हैं डी भी लगा सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे डी न्यू डी न्यू किसका लिक्विड का ब्रैकेट में हमने एल लिख दिया ये किसके होगा? D new किसके इक्वल होगा डी न्यू गैस के इतनी चीज क्लियर तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पर को मिल गई ओके okay? अब क्या होगा तो देखो एक चीज पहले आपने यहाँ तक इतना खत्म कर देना है अब आप क्या करेंगे अब आप करेंगे यहाँ पर को आप मोल ऑफ वॉल्यूम का यूज करेंगे मोल ऑफ वॉल्यूम मतलब वी एम की वैल्यू आप यहाँ पर निकालेंगे तो आपने ये मोलर प्रॉपर्टीज वगैरह में

तो ये किसके इक्वल होती है डेल्टा न्यू अपॉन डेल्टा पी आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे ठीक है यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा न्यू अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है मोल ऑफ वॉल्यूम यानी कि वी एम के इक्वल होता है तो यहां से हम लोगों को क्या है डेल्टा न्यू की वैल्यू निकल सकती है तो यहां से जो डेल्टा न्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी जब आप इसको ऊपर भेज देंगे ठीक है तो उसको आप यहाँ पर पुट कर लीजिएगा ठीक है तो मैं देखो पुट करके आपको दिखाती हूँ देखिए ठीक है हमने क्या किया इसको निकाला अगर मैं यहाँ से डेल्टा न्यू की वैल्यू निकालूंगी तो ये किसके इक्वल होगा वी एम इंटू डेल्टा पी या फिर डीपी के इक्वल होगा तो मैंने ये वैल्यू को यहाँ से जो ये फॉर्मूला ये वैल्यू निकली इसको मैंने यहां और यहाँ पुट कर दिया तो देखो क्या लिखा वी एम इंटू डीपी देखो वी एम इंटू डी पी किसके लिए ये पहले केस में हम लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं ये जो हमने न्यू लिया वो किसका लिया था अगर लिक्विड का लिया तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और गैस का लिया तो हम जिस ब्रैकेट के अंदर गैस कर देंगे इतनी चीज क्लियर तो ये इक्वेशन एक हमको डिराइव हुई इस इक्वेशन को हम इक्वेशन एक्स कंसिडर कर लेते हैं इतनी चीज क्लियर आई ना यहाँ तक आप कर लेंगे कुछ नहीं किया हमने केमिकल पोटेंशियल लिया हमको पता है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है तो इंटरनल एक्सटर्नल केमिकल पोटेंशियल एक दूसरे के इक्वल होंगे केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू में हमने

आइडियल इक्वेशन की तरह कंसिडर कर सकते हैं ठीक है ये क्या है आइडियल है तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं कि ये लिक्विड वाला तो एज इट इज रहेगा ठीक है ये वीएमएल इंटू uh, क्या है डीपीएल ये क्या है एज इट इज है बिल्कुल सेम है लेकिन यहाँ पर आपने क्या है इसको आइडियल कंसिडर किया तो यहाँ पर को आप आइडियल गैस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा आर टी डिड बाई पीजी पी यानी कि प्रेशर ऑफ गैस ओके इंटू क्या होगा डीपीजी तो ये इक्वेशन आपकी क्या होगी थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी जब आप ये कंसिडर करेंगे कि आपका जो वेपर प्रेशर है वो आपका क्या परफेक्ट है या फिर आप बोल सकते हैं आइडियल है इसे हमने इक्वेशन वाई कंसीडर किया ठीक है अब क्या होगा इस इक्वेशन को बस इसने से थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या कर रखा है ये वाला जो आर टी है इसे यहाँ पर भेज दिया यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया तो वी एम एल इंटू डी पी एल इज डिवाइड में क्या जाएगा आर टी और ये आपका एज इट इज रहेगा यानी कि डी जी अपॉन पी जी इज ये आपका क्या रहेगा एज इट इज रहेगा इतनी चीज क्लियर आई अब देखो बस खत्म होने वाला है अब आप क्या करेंगे यहाँ तक आप अपना सेकंड स्टेप खत्म हो गया सोच लीजिए सेकंड स्टेप में क्या है आपने बस ये कंसीडर किया कि आपका वेपर प्रेशर क्या है परफेक्ट है आइडियल है तो आपको ये इक्वेशन मिली इससे हम बोल देते हैं इक्वेशन तो ये आपका सेकंड स्टेप यहाँ पर फिनिश हो गया तो आप जैसे जैसे स्टेप वाइज कंसिडर करेंगे ना तो मुझे तो ईजी पड़ता है कि अगर मैं ऐसा समझ लू की हाँ ये पहला स्टेप है ये सेकेंड स्टेप है तो ये माइंड पर रहता है कि हमने करना क्या ये हमें इनिशियल पॉइंट हमें पता चल जाता है फिर अगर पता चल जाए क्यू मिल जाए तो फिर हम आगे को तो खुद से कर सकते हैं ठीक है

गैस का प्रेशर जब आपकी गैस कहां से है प्लेन सरफ़ेस से है ठीक है L बोलूंगी तो क्या होगा लिक्विड का प्रेशर जब आपका लिक्विड क्या है प्लेन सरफ़ेस का अभी तक ऐसे समझा रही थी तो वही चीज आपको तभी माइंड पर रखनी है देखो अब हम लोग जो इंट्रीगेशन कर रहे हैं वो कहां से कहां से कर रहे हैं यानी यानी कि कि आपका surface से कहा की ओर कर रहे surface, surface से ठीक है का का और यहां आपका का, समझ में क्योंकि ये वाला लेफ्ट हैंड साइड आपका किसका लिक्विड का है और राइट हैंड साइड पर आप किसकी बात कर रहे हैं गैस की बात कर रहे हैं तो दोनों साइड हमने इंट्रीगेशन किया तो लेफ्ट हैंड साइड इंट्रीगेशन किया तो ये कॉन्स्टेंट यानी कि वी एम एल अपॉन आर टी आपका कॉन्स्टेंट है तो आपने इसे बाहर ले लिया यानी कि मोल ऑफ वॉल्यूम आपने बाहर ले लिया आरटी यानी कि गैस का जो है आपका ये कांस्टेंट हो गया और टेम्परेचर है अपना वो आपने बाहर कांस्टेंट लिया बाकी अंदर क्या बचा आपका डीपीएल बता

उसके बाद किया गया इंट्रीगेशन करेंगे तो क्या होगा ये तो आपका एज इट इज रहेगा वी एम अपॉन आर टी तो एज इट इज रहा इंट्रीगेशन किया तो क्या हुआ यहाँ से पी ये जो डी है यानी कि स्मॉल चेंज की जो हम बात करते थे वो हट जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा पी एल से कहाँ इंट्रीगेशन हुआ पी टू एल टू पी वन ठीक है पी वन एल टू पी टू एल इतनी चीज क्लियर आई इसका भी आपने इंट्रीगेशन किया तो क्या हुआ ये आपका क्या हुआ यहाँ से डी चला गया यहाँ पर आपका क्या बचा लॉग आपने लगाया पी गीस किसके कहा से कहा इंट्रीगेशन पी वन जी से पीटू जी ठीक है तो ये करेंगे फिर आपने देखो बस इसे सॉल्व कर रखा है बी एम अपॉन आर टी आपका एज इट इज रहेगा आपने इसे सॉल्व किया तो ये बन गया पी टू डॉट पी वन ठीक है तो पी टू डॉट पी वन लिक्विड का है तो आपने बाहर से तो लिख दिया एल ओके अब आपने इसी को मॉडिफाई करके लिखा है तो देखो पी टू माइनस पी वन करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा डेल्टा पी डेल्टा पी और वो भी किसके लिक्विड के तो इसने आपने क्या लिखा है बी अपॉन आर टी और यहाँ पर को क्या लिख दिया सीधे डेल्टा पी यहाँ पर लिख दिया लिक्विड ओके अब ये किसके इक्वल होगा ये वाली वैल्यू के इक्वल होगा ठीक है मतलब इस ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आया हमारा सॉल्व करके इसको मॉडिफाई करके डायरेक्टली ये लिख दिया ठीक है अब आपका राइट हैंड साइड में आपका क्या है इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा लॉग पी टू अपॉन पी वन किसका गैसेस ठीक है तो ये जो आपको इंट्रीगेशन करके जो ये इक्वेशन आपको मॉडिफाई uh, मिली है जिसे अगर मैं यहाँ पर को क्या टर्म दे देती हूं इसे इक्वेशन बोल देते हैं ओके okay? ये इक्वेशन ए जो मिली है यही आपकी फाइनल इक्वेशन है इसी इक्वेशन से आपको क्या आपकी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन आपकी कैलविन इक्वेशन ऑपरेन होगी ठीक है तो इतना आपको क्लियर हुआ ना तो डेरिवेशन हमने क्या तीन स्टेप में किए हैं <coughs> कौन कौन सी तीन इक्वेशन तीन स्टेप में किए पहले में हमने केमिकल पोटेंशियल की रिस्पेक्ट में बात की सॉल्व किया सॉल्व किया हमें इक्वेशन एक्स मिली ठीक है फिर हमने आइडियल गैस लिया हमने बोला कि वेपर प्रेशर जो है हमारा परफेक्ट है तो हमें इक्वेशन हमारी क्या मिली जेड मिली फिर हमने उसमें क्या किया इंट्रीगेशन किया तो इक्वेशन हमको ए मिली और इसी इक्वेशन से हमको हमारी कैलविन इक्वेशन ऑप्टेन हो जाएगी ठीक है कैसे ऑप्टेन होगी दो देखो यहां पर ये बोल रहा है ये जो आपको डेल्टा पी है हमने लास्ट लेक्चर पर भी डिस्कस किया था ये हमारी क्या होता है लिप्लास प्रेशर होता है ठीक इसे हम बोलते हैं लिप्लास प्रेशर क्योंकि ये प्रेशर किसका होता है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ प्लेन सर्फेस एंड ड्रॉप ऑफ सर्फेस ठीक है तो प्लेन सर्फिस और ड्रॉप ऑफ सर्फिस के बीच में जो प्रेशर बन रहा है उसको हम बोलते हैं डेल्टा पी जिसे सिंपली लेप्लास प्रेशर भी बोला जाता है और अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये टू गामा अपॉन होता है गामा मतलब गामा मतलब वो आपका टेंशन अपॉन आर मतलब आपका करवेचर या फिर रेडिया ओके उसके बाद ये देखो इसकी वैल्यू आपको मिल गई डेल्टा पी की वैल्यू आपको मिल गई और आपको वीएम यानी कि मोल ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू भी पता होगी मोल ऑफ वॉल्यूम ये किसके इक्वल होता है ये इक्वल होता है आपका एम अपॉन रो यानी कि मास इंटू रो यानी कि डेंसिटी के इक्वल होता है तो अब आपने क्या कर देना है यहाँ पर वीएम की वैल्यू पुट कर देना है डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर देना है अपॉन आर टी है और ये आपका एज इट इज रहेगा ठीक है क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है प्रेशर डिफरेंस जैसा ही है तो ये हमारा क्या होगा अगर आप ये वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा लॉग पी टू अपॉन पी वन गैस की रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं ये किसके इक्वल होगा ये वैल्यू पुट कीजिए देखो P, डेल्टा पी की वैल्यू किसके इक्वल है टू आर टू गामा अपॉन आर के इक्वल है तो टू गामा अपॉन आपने लिख के रखा आर और आपका क्या है वीएम किसके इक्वल है एम अपॉन रो यानी कि मास ओवर डेंसिटी तो ऊपर रखा आपने मास नीचे रखा डेंसिटी और नीचे आपका क्या है यहाँ पर को आर टी ये देखो यहाँ पर को क्या आर टी तो आपने यहाँ पर रखा आरटी तो ये जो इक्वेशन आपको मिली ये ही होती है, आपकी है? तो, बस ये तो ये बस इतना डेरिवेशन आपने यहाँ पर कैलविन इक्वेशन के लिए शो करना है इतना हुआ गे? अब देखो इस इक्वेशन से आप ये चीज समझ गए हमने क्या बोला था ये कैलविन इक्वेशन हमको ये बताती है कि वेपर प्रेशर ऑफ देखो ये तो बताती है कि वो कैसे कर्वेचर पे डिपेंड करता है तो अब आपको मैंने कुछ, आपको समझ में मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया कि जितना छोटा कर्वेचर होगा जितना छोटी रेडियाई होगी उतना ज्यादा आपका प्रेशर होगा क्यों होगा क्योंकि आप ये रिलेशन से समझ सकते हैं कि रेडियाई और आपका जो ये वेपर प्रेशर की जो वैल्यू निकाल रहे हैं आप ये दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है समझ माना कि आपका नीचे है तो ये दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो रेडियाई क्या होगी कम होनी चाहिए ठीक है जब आपका वेपर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उस केस उसके रेडियाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए और अगर रेडियाई की वैल्यू कम है तो वेपर प्रेशर खुद ब खुद ज्यादा हो जाएगा तो ये रिलेशन भी किसने बताया था कैलविन ने अपनी इक्वेशन के थ्रू अब आपको समझ रहा होगा क्योंकि एक दोनों क्या है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आप इक्वेशन में देख सकते हैं ठीक है बाकी की चीजें इतना हुआ तो यही बस आपने इक्वेशन यहाँ पर डिराइव करनी थी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी तो ये थ्योरी कर लीजिएगा उसके बाद ये इक्वेशन डाल दीजिएगा बस उतना इतना हो जाएगा ठीक है तो ये था हमारा कैलविन इक्वेशन तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे तो अभी लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर तब तक के लिए बाय बाय